एकदम शॉर्ट में बताइएगा किस काम के लिए गए थे और किस तरह के जुर्म हुआ है। मैं घर के काम के लिए गई थी और जुल्म मेरे साथ मतलब गलत काम के उससे हो रहा था। फ़ोन कर रहा था अपने कपिल, कपिल ने कोशिश करी थी मतलब पर नाकाम हुई हो तो गया हो। और किस तरह से जुल्म करते थे? बांध करके रखते थे बस। हाँ बंद करके रखते थे और मतलब वो छेड़कानी बोए भी मतलब करते थे, मतलब पानी वानी मांगते थे तो हाथ वाथ पकड़ना ये करना मतलब। और वो कहते थे कि जैसे मतलब हम तुमको लेके आए तो आपको करना ही पड़ेगा ये मतलब ये। अच्छा ये बताइए कि उस घर में और कौन था जो आपको परेशान करता था, अत्याचार करता था? मतलब एक उनकी मिसेज भी थी अपने कपिल की, तो मतलब वो तो मुझको उठाती करती खाना में मतलब उठा झूठा देती, नहीं खाती तो मतलब मारती लातों से चप्पलों से मारती मतलब। वो कपिल का कहना था कि मतलब निशान नो, निशान नहीं आना चाहिए मतलब चप्पलों से इनसे मतलब हाथ चाटों से मतलब वो मतलब अत्याचार करना, इनका खाना का झूठा झूठा खिलाना, नहीं खाना तो फिर मार खाना मतलब ऐसा मारने का कहते थे कि उससे निशान नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि निशान से इंसान लात से चप्पल से या चाटे से बस इस तरह के। और मतलब उस दौरान मैं चली भी गई, जब भी मुझको उन्होंने बहुत कोशिश मारने की करी पर मैंने थोड़ा ना गर्म हो गई थी, मैंने कहा मुझे मार भी डालोगे पर मैं इंडिया जरूर जाऊंगी। अच्छा महिलाएं खाना नहीं देती थी आपको, कितने घंटे काम कराती थी और कितना काम करना पड़ता? मतलब अपने 3 बजे मतलब सुबह 6 बजे से जो मैं उठती तो वो रात की नाइट हो जाती 3 बज जाती और सिर्फ सोने को मेरे को 3 घंटे मिलता 6 बजे तक, मतलब 6 बजे तक 7 बजे तक मुझे सोने को मिलता और कुछ नहीं ज़्यादा उससे ज़्यादा। और मतलब पूरा हाउस वाउस क्लीन करना, धोना मतलब सुबह भी धोना शाम को भी धोना, क्योंकि हवा इतनी चलती तो बालू रेत हो जाती वहाँ पर, तो मतलब सुबह से शाम तक मतलब वो करती हूँ। और थोड़ा थक जाती तो अत्याचार भी करने लग जाती हूँ। तो कितने पैसे मिले आपको अभी तक? अभी तक तो 1 रुपया भी नहीं मिला मुझको, किसी ने कभी पैसे 1 रुपया भी नहीं दिया किसी ने मुझको। और पैसे का कहा था पर मैंने पैसे का आते टाइम कहा था मैंने कि मुझको जब मेरे कहने 1 रुपया नहीं है तो मैं जैसे जाऊंगी बॉम्बे तक जाऊंगी तो मुझको कुछ खाने खर्चे के पैसे दो, तो मैं से कहता है कि मतलब देखो इंडिया नो, मतलब तू पैसा मांगेगी तो इंडिया नो। कैसे आप आइए आप इंडिया, किसको धन्यवाद देंगे आप? मैं सारे मीडिया को भी धन्यवाद दूंगी और मतलब जितने भी बड़ी बड़ी हस्ती विदेश मंत्री जिनके नाम में को वो नहीं है तो सबका मतलब सब का आभार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। और एक एक शिक्षा और देती हूँ मैं कि जितनी माँ और बहनें हैं मतलब अपने घर में इज्जत से रहो और इज्जत से खाओ, सूखी रोटी कैसी भी हो पर अपने बच्चों के साथ ही रहना और अपने पति के साथ ही रहना, मतलब इतना बड़ा ख्वाब मत देखना जो अपने साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा पैसा किस काम का जो अपने साथ गलत काम होने की कोशिश करे, ऐसा कभी भूल मत करना। उम्मीद छोड़ दी थी आपने वापस आ पाओगी? मैंने छोड़ दी थी उम्मीद पर मतलब सब लोगों की मदद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे दिखे। मैंने तो बस मरने की इच्छा रखी थी, मैंने कि ये काम हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं मतलब जान से चली जाऊँ मर जाऊँगी पर अपनी इज्जत नहीं गवाऊंगी। ठीक, ये सबसे बड़े बेटे आपका? आप आओ ना, आप आ जाओ। 2 महीने के आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे आपको पहले?